हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्लश एंड स्टफ़ तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं डेली हाट की डेली हाट में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी किस किस वैरायटी में चीज़ें मिल जाएंगी और क्या क्या स्टॉल्स लगे हुए थे इस बारी हम आपको वो दिखाने वाले हैं तो जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको पहले टिकट लेनी है यहाँ पे विच इज़ फोर रुपीज़ थर्टी और पाँच साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट्स नहीं हैं वो बिल्कुल फ्री है एंड उसके बाद हम एंटर करते हैं आप देख सकते हो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी नीट एंड क्लीन बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर तो एंटर करते हुए ही आपको बहुत सारी स्टॉल्स दिख जाएंगी और यहाँ पर जैसे आप ये जो देख रहे हो ये ये हैंड पेंटेड सीनरीज़ हैं और हम लोग खुद बड़े अमेज हो गए थे कि कितनी सुंदर इन्होंने पेंटिंग करी हुई है और आपको ऐसे ये कुर्ते और स्कर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी जयपुरी प्रिंट्स की तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की स्टॉल्स भी लगी होती हैं कुछ आगे अभी आप देखोगे आगे, आगे बैग्स लगे हुए थे वो गुजरात से आए थे उन्होंने यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ डेज़ के लिए जैसे फॉर फिफ्टीन डेज़ टेन डेज़ ऐसे लोग अपने स्टॉल्स लगाते हैं तो अभी इन्होंने जो स्टॉल्स लगाए हुए हैं हम आपको उनकी कलेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको अनस्टिच सूट की वैरायटी मिल जाएगी और ये हैंड पेंटेड पेंटिंग्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी ये एक स्टॉल है जहाँ पर आपको ऐसे ये लखनवी चिकनकारी वाले कुर्ते मिल जाएंगे काफ़ी सारी हमें रियल पर्ल्स रियल सिल्वर ज्वेलरी की स्टॉल्स मिली तो ऐसे बिल्कुल एडजस्टमेंट सारी स्टॉल्स लगी हुई हैं जहाँ पर आपको ऐसे की बहुत प्रिंटेड ड्रेसेस मिल जाएंगी कुर्तीज़ मिल जाएंगी कुछ कुछ ऐसे ये फुटपाथ पर ये ऐसे पेंटिंग्स और बैंगल्स वगैरह लेके के बैठे हैं ये सारे वो हैं की रिंग्स हैं काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के की रिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ हंड्रेड यहाँ पर आपको ऐसे ही मिरर वर्क में ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप अपनी कोई ज्वेलरी रख सकते हो या कुछ भी ऐसे शो पीस के लिए आप रख सकते हो और यहाँ पर जो भी आप ये देख रहे हो ये सब इन्होंने खुद पेंट करा है हैंड ड्राइंग है ये इन्होंने खुद से ड्रॉ करा है खुद से पेंटिंग करी है और बहुत ही सुंदर है जैसा आप देख सकते हो ये दिस इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ थ्री फिफ्टी जो सबसे छोटी वाली है वो थ्री फिफ्टी रुपीज़ से स्टार्ट होती है और ये हमें एक स्टॉल मिला जहाँ पर सारी जूट बास्केट्स की और और ये जूट बैग्स की इनकी कलेक्शन थी तो आप देख सकते हो कि छोटी से लेकर बड़े तक इनके पास काफ़ी सारी बास्केट्स हैं और बिल्कुल ऐसे बेज कलर में भी हैं और थोड़ी प्रिंटेड भी हैं यहाँ पर आपको ये जूतियों का भी स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पर इनके पास प्लेन जूतियाँ लगी हुई थी और ऐसे ही प्रिंटेड जयपुरी राजस्थानी जुतियाँ लगी हुई थी तो ये काफ़ी सुंदर हैं और कुछ कुछ इनके जो कुशंस मतलब जो बेस होता है वो बहुत सॉफ़्ट होते हैं और यहाँ पर आपको सिल्वर ज्वेलरी की बहुत सारी स्टॉल्स मिलेंगी जैसे अभी आप ये देख रहे हो इनके पास काफ़ी सुंदर सुंदर झुमकियाँ नेक पीसेस पायल और ब्रेसलेट्स ये सब यहाँ पर लगे हुए थे और इनकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी हाई होती है आपको काफ़ी सारी स्टॉल्स जैसे होम डेकोरेशन की चीज़ों की काफ़ी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ये जो सारे हैं, ये हैंगर्स हैं काफ़ी अलग तरीके की सिंगल हैंगर भी है जिस पर आप जैसे कुछ भी आप ऐसे हैंग कर सकते हो यहाँ पर आपको ऐसे रोलिंग पिनज और स्पैचुलाज वुडन वुडन की चीज़ें आपको यहाँ पर ये यह सब चीज़ें मिलेंगी ये आपके डोर के लिए वेलकम बोर्ड या जैसे ये ओम का उन्होंने बनाया हुआ है लेंटर्न्स पड़ी थी यहाँ पे वुडन ट्रेस पड़ी थी अब हम चलते हैं क्लोदिंग पे तो यहाँ पर ये इन्होंने अनस्टिट सूट लगाए हुए हैं जो कि 750 टू 850 से स्टार्ट हो रहे थे बिल्कुल जो बेसिक इनकी स्टार्टिंग है वो इतनी है बाकी उनकी रेंज काफ़ी हाई हो जाती है इतनी ज़्यादा भी बारगेनिंग ये लोग नहीं करते हैं बेसिक रेंजेस में तो बिल्कुल बारगेनिंग नहीं होती यहाँ पर आपको ऐसे ये नॉर्मल जो जीन्स के साथ पहनने वाले कुर्ते होते हैं शॉर्ट कुर्तीज़ होती हैं उसकी भी आपको प्रॉपर एक स्टॉल मिलेगी जिनके पास इतनी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी इन्होंने रखी हुई है स्टॉल्स की और इनके पास साइजेस कुर्तीस की एम सॉरी और इनके पास साइजेस भी सारी अवेलेबल हैं काफ़ी सुंदर सुंदर प्रिंट्स इनके पास लगे हुए थे जैसे ये बुद्धा जी का प्रिंट लगा हुआ है और ऐसे ये बिल्कुल ये डांसिंग दी वो होते हैं जो फ़िगर्स होती हैं उनका लगा हुआ है इनके पास स्कर्ट्स मिल जाएंगी आपको जैकेट्स मिलेंगी ये सारी वेरायटी आपको डेली हार्ट में मिल जाएगी डेली हार्ट सुबह साढ़े दस बजे खुल जाता है रात को दस बजे तक एंड इट इज़ ओपन ऑन ऑल द सेवन डेज सातों दिन खुला रहता है कभी बंद नहीं होता सातों दिन में और यहाँ पर आपको ऐसे और भी स्टॉल्स मिलेंगे स्कर्ट्स और ये अनारकली कुर्तीज़ वगैरह शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह इनके अलावा आपको ऐसे ये बैग्स वगैरह मिल जाएंगे बिल्कुल ऐसे ये गुजराती जयपुरी प्रिंस वाले साथ ही में आपको ऐसे काफ़ी सारी स्टॉल्स मिलेंगी जहाँ पर आपको ये विन चाइम्स और होम डेकोरेशन की छोटी छोटी चीज़ें शो पीसेज़ और काफ़ी वुडन ट्रेस वगैरह लगी हुई थी ये वुडन हैंगिंग भी लगा हुआ है ये काफी सारे सुंदर सुंदर शो पीसेस हैं इसमें बुद्धा जी और काफी और भी चीजें हैं ये स्टॉल नंबर एस टू तो है तो आप देख सकते हो ऐसे हर स्टॉल पर ऐसे नंबर लगे होते हैं और आपको यहाँ पर ऐसे ये पॉल अभी आपने पहले भी वीडियो में देखा था कि इनके पास सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी सारी है तो ये हमारी वीडियो है डेली हार्ट मार्केट पर हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू